हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरके टेक्नोलॉजी और आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वेबएक्स मीटिंग ऐप को हम कैसे यूज करें। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप अभी से इस वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि हम इस वीडियो में A to Z जो सेटिंग है और जो भी इसका फंक्शंस है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आज के बाद से आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि बहुत ही आसानी से आप पूरा इसका फंक्शन जान जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना वेबएक्स मीटिंग ऐप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमको दो ऑप्शन मिलता है। यदि दोस्तों आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है या वेबएक्स मीटिंग जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आई बटन पर हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है तो दे देंगे। आप लोग वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे वेबएक्स मीटिंग ऐप में हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमको दो ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे ज्वाइन मीटिंग एंड साइन इन का है। तो दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे साइन इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आपको वेबएक्स मीटिंग ऐप में अपना अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन मीटिंग करके और ऊपर जो मीटिंग नंबर या URL पूछ रहा है, यहाँ पर आप अपना जो भी आपके फैकल्टी मेंबर या टीचर जो हैं वो आपको भेजे होंगे URL, वो यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा, कॉपी पेस्ट या लिख के करके, और उसके बाद से सिंपली ज्वाइन पे क्लिक कर लेंगे और आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आता है यदि आप फैकल्टी हैं या आप मीटिंग होस्ट करते हैं यानी टीचर हैं, तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद से यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है साइन इन का, उस पर आपको टाइप करना होगा और अपना ईमेल डाल के और अकाउंट जो है आपको लॉगिन यहाँ से कर लेना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो साइन इन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहला जो काम होता है मीटिंग शेड्यूल करना। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद से यहाँ प्लस आइकन जो ऊपर दिख रहा है इस पर टैप करेंगे। प्लस आइकन पर टैप करने के बाद से आपको यहाँ पर इन्वाइटिस का ईमेल डालने को मिलेगा। यहाँ पर इन्वाइटिस का ईमेल डाल लेंगे, उसके बाद से नीचे जो ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हम डेट सेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ से हम टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिखेगा, यहाँ से हम कितना घंटा का दे लेना चाहते हैं मीटिंग वो कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनट यानी कितने घंटे कितने मिनट का, यदि हम मान लीजिए यहाँ पे एक घंटे का टाइम शेड्यूल करते हैं, ठीक है, एक घंटे करते हैं। उसके बाद से यदि हम डेढ़ घंटे का मीटिंग लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह हमारा जो मीटिंग शेड्यूल करना था हो गया है। अब क्या करेंगे, सिंपली हम स्लाइड करेंगे और यहाँ पर हमको ऑप्शन दिखता है स्टार्ट मीटिंग एंड ज्वाइन मीटिंग। दोस्तों एक और ऑप्शन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, और स्लाइड जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन दिखता है। तो जब आप मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपका जो भी रिकॉर्डिंग होगा यहाँ शो करेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम सिंपली यहाँ से जो मीटिंग हमने अभी शेड्यूल किया है उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट मीटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो हमने मीटिंग अभी क्रिएट किया था वो यहाँ से शेड्यूल किया था वो यहाँ से ज्वाइन होने लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें हमने जिन जिन को मैसेज भेजा है ईमेल पे या व्हाट्सएप पे वो यहाँ पे ज्वाइन होने लगेंगे। और इस तरह देख सकते हैं हमारा कनेक्टिंग टू ऑडियो का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे जो आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें 3 जो है रेड है, एक ब्लैक है, ठीक है दोस्तों। जो फर्स्ट वाला रेड दिख रहा है उसका मतलब हुआ ये अभी रेड दिख रहा है तो ये म्यूट है, और जिसको अगर
हम जब बोलेंगे मतलब क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसको अनम्यूट करना होता है, जिसके लिए हमको यहाँ देखिए अभी अनम्यूट हो गया यानी ब्लैक हो गया तो अनम्यूट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दूसरा ऑप्शन है वीडियो का, इसको भी है जब हमको वीडियो मतलब कॉलिंग करना होगा या वीडियो पर भी सामने आकर कुछ बताना होगा तो इसको ऑन करेंगे तो वीडियो ऑन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिखता है आपको यहाँ पे देख सकते हैं लॉक रूम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। इसके द्वारा यहाँ पर लॉक रूम कर देंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर जो सिंबल दिख रहा है यहाँ पे लॉक यानी की का एक ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अभी आपके जो मीटिंग है उसमें दूसरा कोई ज्वाइन नहीं होगा जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम इसको अनलॉक करने के लिए फिर से दोबारा इस पर टैप करेंगे तो देखेंगे ये अनलॉक हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको जब कंटेंट शेयर करना होता है या स्लाइड जो भी आपका है वो दिखाना है या कोई पीडीएफ शेयर करना है तो यहाँ पे जो ऑप्शन लॉक के रूम के नीचे जो जस्ट दिख रहा है शेयर कंटेंट का, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम शेयर स्क्रीन कर सकते हैं या जो भी हमारे गूगल ड्राइव में है, फोटो में है या वाइट बोर्ड है, इसको हम यहाँ से देखिए जैसे वाइट बोर्ड हमने ऑप्शन लिया, यहाँ से हम सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं जो भी हमको ड्रा करना है। ठीक है, यहाँ से हम शो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब इसको हम बैक कर लिए। ठीक है, और ऑप्शन यहाँ पे है जैसे ऑडियो मोड ओनली, यानी हमको यदि क्या करना है सामने आकर नहीं पढ़ाना है सिर्फ ऑडियो पे हमको बोलना है तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ऑडियो ओनली मोड इसको इनेबल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे हम सिंपली ओपन कर देंगे और यहाँ से वो चालू हो जाएगा हमारा। ओके दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं फिर से और ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे इन्फो का ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, इन्फो पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ ऊपर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, शेयर करेंगे तो जितना भी हमारा जो भी डिटेल्स हैं यानी किसी को अभी भेजना है जिसको भूल गया है यदि भेजना चाहते हैं तो यहाँ से व्हाट्सअप पे या जैसे भी भेजना हो जहाँ भी हम भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से भेज सकते हैं आसानी से। और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सेटिंग का अब में जाएंगे, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग करने के लिए मिलता है दोस्तों जी। आप देखते होंगे बहुत सारा डाटा आपका खर्च हो रहा होगा वीडियो जब ऑन होता है तो, ठीक यानी आप जब वीडियो मोड में पढ़ाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर हाई डिफिनीशन वीडियो जो है ऑप्शन इसमें यहाँ पे देखें ग्रीन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी ये इनेबल है तो इसको हमको डिसेबल कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने कर लिया आप लोग भी कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपका जो भी डाटा है कम यूज होगा, बहुत ही कम। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम अपना मीटिंग जो है वो इजिली कर सकते हैं। ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट का नाम दिखाई देगा, उसका फ़ोटो या जो भी लगाया होगा यहाँ सिंपली दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप जिसको भी देख सकते हैं कौन कौन जुड़ा है आपसे। और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखता है चैट का, चैट जैसे आप चैट पर क्लिक कीजिएगा देखेंगे चैट विथ एवरीवन का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप करिएगा आप जो भी चीज़ यहाँ पर लिखिएगा ठीक वो सभी को दिखेगा, यानी जितने लोग आप में से ज्वाइन होंगे वो सब लोग इस मैसेज को देख सकते हैं। ठीक, यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपको इनवाइट का इधर दिख रहा होगा साइड में, तो इनवाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है रिमाइंड इनवाइटीज और इनवाइट बाय ईमेल, यानी नए किसी को इनवाइट करना है तो वहाँ से इनवाइट बाय ईमेल पर क्लिक करके आप ईमेल डाल के कर सकते हैं। और नीचे जो रिमाइंड इनवाइटेड का ऑप्शन है इस पर आप जाइएगा तो आपको जो भी आपने पहले ईमेल भेजा हुआ है किसी को उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं ताकि वो टाइम हो जाने पर वो मतलब जब क्लास चालू हो गया तो उसके पास से रिमाइंडर जाएगा ताकि वो कंफर्म हो जाए कि हाँ मीटिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने सभी ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर देखा। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि जब आपको मीटिंग को लीव करना है यानी जब मीटिंग कंप्लीट हो गया है तो लास्ट ऑप्शन आता है मीटिंग को कैसे ख़त्म करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो दिख रहा है क्रॉस का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लीव मीटिंग का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पर सिंपली हम जैसे टैप करेंगे ये हमारा मीटिंग जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा यानी मीटिंग समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम मीटिंग कर सकते हैं और
आसानी से अपना क्लास जो है चला सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने ऑलरेडी बहुत सारा इससे रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।